जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा था और एक मंत्री था। दोस्तों मंत्री हर बात पे ये बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन क्या हुआ, राजा और मंत्री दोनों शिकार पे गए थे। शिकार पे जाने के बाद में राजा की उंगली कट गई, किसी पेड़ के टेणी के अंदर फंस गई थी उंगली, पूरी की पूरी कट चुकी थी, यानी कि किसी काम की नहीं रही थी, अब उसको काट के फेंकना ही था। अब मंत्री ने बोला कि राजा जी जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, गलत नहीं हुआ है। अब राजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि यार मेरी उंगली कट के अलग हो गई और तू बोल रहा है जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। राजा को गुस्सा आया, राजा ने मंत्री को सजा सुनाई कि इसको कारावास की सजा दी जाए। उसने कारावास की सजा सुना दी, कारावास में मंत्री को डाल दिया। आगे बढ़ता है, जैसे जैसे समय गुजरता है महाराज जी क्या करते हैं कि फिर से जंगल के अंदर शिकार के लिए जाते हैं। वहाँ पे कुछ आदिवासी समाज के लोग उसे घेर लेते हैं। अब जैसे ही आदिवासी समाज के लोग घेर लेते हैं उसको बलि का बकरा बनाने के लिए, राजा महाराजा वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद में भाई साहब वो राजा जब बलि का बकरा बन रहा था, यानी कि उसका भोग लेना बाकी था, तब उनको उंगली दिख जाती है कि इसकी एक उंगली कटी हुई है, यानी कि ये खंडित है। उनकी नज़र में वो खंडित हो चुका था, जैसे टूटा हुआ पता सा खंडित हो जाता है ना, उस तरीके से। अब राजा को छोड़ना से भाग जा तू, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है साले, तेरी उंगली कटी हुई है। अब क्या हुआ कि उसको बात याद आई उस राजा को कि यार अगर आज ये उंगली कटी हुई नहीं रहती तो मैं बचता नहीं, आज मैं मारा जाता, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। मंत्री की याद आई, मंत्री के पास पहुंचा और जाने के बाद में बोला कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे को कारावास में गलत डाला था, क्योंकि मुझे लगा कि तू मेरी उंगली कटने के बाद में भी जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बोलकर दुखी कर रहा था तू मुझे, ऐसा लगा। लेकिन आज अगर ये मेरी उंगली कटी नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं बचता। लेकिन फिर मंत्री ने बोला कि चलो जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, अगर मैं आपके साथ होता उस दिन, आपने अगर मुझे कारावास में नहीं डाला हुआ होता तो आज बलि का बकरा मैं बनता महाराज जी, आप तो छूट के आ जाते, क्योंकि आप तो खंडित हो चुके थे, लेकिन मैं थोड़ी खंडित था, मेरा तो काम खलास था, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा मत सोचो कभी भी।